नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। ईडी ने 9 जुलाई को बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और गाजियाबाद के कई टूर एंड ट्रेवल कंपनियों के डायरेक्टर्स और उनके सीए के ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत की गई। ईडी ने दिल्ली एनसीआर में 8 जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी ने बड़ी मात्रा में कैश, जरूरी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए हैं। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि दिल्ली और गाजियाबाद में टूर एंड ट्रेवल कंपनी गैरकानूनी रूप से काला धन अपने आवास पर छिपा कर रख रही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत हुई इस कार्रवाई में ईडी ने कंपनी के डायरेक्टर और उनके सीए के पास से 3,57,00,000 से ज्यादा का कैश बरामद किया है। ईडी के मुताबिक खास इनपुट के आधार पर अलग अलग संस्थाओं समेत टूर्स एंड ट्रेवल कंपनियों के खिलाफ FEMA 1999 के तहत जांच शुरू की गई थी। इस जांच में ब्लैक मनी के अलावा विदेशियों को ई वीजा मुहैया कराने के नाम पर पेमेंट गेटवे के जरिए से गैर कानूनी विदेशी लेन देन हो रहा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।